और ये रहा रास्ते का नजारा, गाड़ियां ऐसे चढ़ी जैसे मानो चींटी, ये सामने एक झरना, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, झरने का भी बना लेना ये वो यार, रुकिएगा मत, चलिएगा, नहीं रोकेंगे नहीं हम, यहाँ बना लेना बस। हाँ, और ये ऊपर से आ रहा है एक वाटरफॉल, ये जगह है खतरनाक, यहाँ लोग रुक रुक के फोटो क्लिक करवा रहे हैं अपना, बाकी अब सामने चेकआउट करें। वो बर्फ पे जब धूप पड़ी एकदम चमक रहा है। शायद चेकिंग होगा या परमिट बंद कुछ होगा। हाँ, यहाँ हम लोग लिया जाएगा फोटो। वो रहा रोहतांग पास का बोर्ड, ऊपर धुंध देख रहे हैं मामू, वो देखे धुंध और बर्फ। अरे हम हैं यहाँ पर 13,058 पे, स्पीति वैली रोहतांग पास। अब मैं समझ, तो फाइनली अपन लोग रोहतांग पास पे आ गए हैं। यहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, हवा इतनी तेज चल रही है कि एकदम पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाएगी आपको। यहाँ पूरी तैयारी से नहीं जल पाएंगे आप, कहे क्या हुआ? अरे भैंस घुस जा रहा है। इनकी हालत खराब, ये जवाब दे चुके हैं। थोड़ा बताइए पब्लिक लोग को ठंडी का हाल। भाई नहीं बता सकते, बहुत ठंड है। ये असली, यही है असली। अभी तो ये अटल टनल पे इससे खतरनाक है, इधर गाड़ी आ रही है। तो आगे जो होता है मैं आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ, बाकी मैं पीछे का व्यू। और ये है यहाँ का सीन, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट अपनी रियल आंखों से जो दिख रहा है ना भाई, वो बंदा यहाँ आकर ही एक्सपीरियंस कर सकता है। फोन पकड़ा नहीं जा रहा। हाँ वो देखिए, ऊपर धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये हालत है यहाँ पे। कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी ठंडी है ना, हवा ऐसे लग रहा है कि बॉडी को काट के चली जाएगी। हाथ और एकदम सुन्न पड़ा है, बाकी अगर आगे जाना होगा तो जाया जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। बाकी ये यहाँ का कुछ ऐसा सीन है। जब तक हम लोग मनाली में थे, जब तक मामू को ठंड नहीं लग रही थी, अब मामू बताएंगे ठंड है कि नहीं है। अरे हमको तो महसूस नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा ठंडी ठंडी लगेगा। ऊपर आने के बाद तो मन तो कर रहा कि नीचे हम लोग भाग जाए, भाग जाए। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है, ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है, माइनस में, माइनस कम से कम माइनस। भाई साहब कसम से मैं कुछ बोल नहीं सकता ठंड के बारे में, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, जियो में तो नहीं है, आप चेक करिए बाकी दूसरी सिम। और ये है रोहतांग पास का फोटो पॉइंट, अब यहाँ पर अपन लोग फोटो क्लिक किया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ रुकने लायक है नहीं। यहाँ हवा आप लोग देख लीजिए कितनी ठंडी है, हालत खराब है एकदम, हवा इतनी तेज चल रही है, ठंडी इतनी ज्यादा है कि तब बर्दाश्त से बाहर नाभक जो एकदम जम गई है, एकदम सांस ले रहे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने अंदर बर्फ डाल दी हो। तो यहाँ जो है इतनी तेज हवा चल रही थी भाई, अपने से बर्दाश्त होने से रहा, अपन ने लिया ये खतरनाक वाला ड्रेस, पानी जम गया, नाक से पानी आ रहा है, होंठ फट गए हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। अभी हम लोग को उतनी ऊपर चढ़ना भी है, हवा इतनी तेज चली है, मैं क्या बताऊं, इतनी ऊपर जाना है अपने को, ये एकदम ऊपर चढ़ना है।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपसे मिलते हैं ऊपर चढ़ के। और यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है कि मेरी आवाज सुनाई दे। बाकी आगे एक नदी है, वो जो है सामने वाली नदी पूरी जम चुकी है। बाकी ये सब पहाड़ है और ये पूरा जो है ये धुंध हो रहा है, सब कुछ धुंध, ये सब ओस पड़ रही है और बर्फबारी हो गई यहाँ पे। इस पहाड़ के पीछे पहाड़ दिख भी नहीं रहा, अभी धूप की धूप भी चली गई। और ये रही सारी स्नो, बर्फ अभी आगे बहुत सारी है, उधर आपको दिख रहा होगा बर्फ ही बर्फ। और अभी यहाँ पे जो है स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो गया है, छोटा छोटा हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ऊपर बर्फ गिर रही है। और ये रहा बर्फ से जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए थे। मामू मजा आ रहा है? हालत क्या है ठंडी से? ठंडी का अंदाजा बताइए। अच्छा बर्फ फेंकिए ऊपर से। अब बर्फबारी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, अब हम लोग यहाँ से निकला जाएगा इससे पहले कि मौसम खराब हो। घूमो फिरो निकलो, एकदम हालत खराब हो गई। और अभी जो है स्नोफॉल होने लगी है मेरे चेहरे पे, क्या पता दिख, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला बर्फ आ रही है एकदम यार। भाई साहब मजा आ गया देख के एकदम, ये चेहरे पे बर्फ आ रही है, दिख रहा होगा कैमरे में कि नहीं, हाँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन बर्फ आ रही है एकदम सामने से, कैमरे में आप दिख रहा है साफ साफ स्नोफॉल। मामू देखिए स्नोफॉल कितना तेज आ रहा है, बर्फ पड़ने लगी है एकदम खतरनाक वाली। अब यहाँ से निकलना सही होगा, निकला जाए मामू, हम यहाँ से निकला होगा। हाँ अभी मौसम खराब हो रहा है। तो अब अपन जो इस पहाड़ी से निकलते हैं रोहतांग पास से आगे, अब हम जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। यहाँ जो है स्नोफॉल बहुत तगड़ा वाला शुरू हो गया है, टेम्परेचर और एकदम माइनस में जा रहा है, एकदम माइनस में है, माइनस 5 डिग्री। क्या मैं बोलने जा रहा था, हाँ ये बोलने जा रहा था कि नहीं बोलूँगा भाई, हालत ख़राब है, अब गाड़ी में बैठ। और ये गाइस स्नोफॉल जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गई, आपको दिख रहा होगा, हाँ अब वीडियो में दिख रहा है, अब बड़ा बड़ा गिर रहा है स्नोफॉल, बर्फबारी। तो यहाँ पर तगड़ा वाला स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई। वाओ ब्यूटीफुल, अब मजा आ रहा है, अपनी स्नोफॉल स्टार्ट चलेगा। इधर से देखिए, तो अभी जो है एकदम तगड़ा वाला स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट अपनी किस्मत, वाह माशाल्लाह पैसा वसूल है भाई, स्नोफॉल कैमरे में जस्टिस हो रही होगी, ये दिल बल्ले बल्ले खुश हो गया एकदम, वाह। इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये है अपना ड्रेस जो है, ये भी बिल्कुल ओह ठीक है, तो अब आगे मिलते हैं आपसे।